दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाने के बाद आप उसे ढूंढते हैं कि वो रिकॉर्डिंग आपके किस फोल्डर में है, कहाँ पे है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपका फोन किसी भी कंपनी का हो, कैसे उसे बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे है। साथ ही आपको एक और मजेदार ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप कोई रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देते हैं तो कैसे उस रिकॉर्डिंग को आप फिर से रिकवर करेंगे, फिर से उस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अपने फोन में रिकॉर्डिंग को खोजने के लिए कि कहाँ पे वो रिकॉर्डिंग हमारी सेव हुई है, आपका फोन जिस भी कंपनी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके फोन में एक टूल नाम का ऐसा ऑप्शन जरूर होता होगा जिसमें काफी सारे ऐप होते होंगे। मेरा फोन MI का है इसलिए यहाँ पे दिखलाई दे रहा है। अगर आपका फोन किसी और कंपनी का हो तो आप इस तरह से सर्च कर लीजिएगा कि वो ऑप्शन कहाँ पे है। यहाँ पे टूल में ओपन कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऐप मिलता है रिकॉर्डिंग का, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डर। तो आप अपने फोन में देख लीजिएगा कि कहाँ पे ये रिकॉर्डर है, इसी से हमें मेन मतलब है। तो इस रिकॉर्डर नाम की ऐप को हम ओपन करते हैं और अपने रिकॉर्डिंग को देखने के लिए कि वो रिकॉर्डिंग हमारी कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तीन लाइन पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि रिकॉर्डेड कॉल 1127, मतलब कि अब तक हमारा 1127 कॉल रिकॉर्ड हो चुका है। और इसको देखने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जितने भी रिकॉर्डिंग सेव हुई रहती है वहाँ पे ये सभी रिकॉर्डिंग यहाँ पे रहती है। तो इनमें से आप किसी भी रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो रिकॉर्डिंग प्ले हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं एक बात बताने वाला था कि अगर यहाँ से आपकी कोई रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है, यहाँ से कोई रिकॉर्डिंग अगर आपकी डिलीट हो जाती है तो कैसे आप उसे रिकवर करेंगे, कैसे आप उसे दोबारा सुनेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस तीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से मैं ले लेता हूँ और तीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से तीन रिकॉर्डिंग मेरी डिलीट हो चुकी है। अब इस तीन रिकॉर्डिंग को मेरे को रिकवर करना है, तो कैसे हम रिकवर करेंगे इसके लिए आ जाते हैं हम यहाँ से बैक, और एक बार हम फिर यहाँ से आ जाते हैं बैक। और यहाँ पे आपको एक सेटिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप एक सेटिंग का आइकॉन बना हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। सेटिंग वाला आइकॉन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिसेंटली डिलीट आइटम। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा रिसेंटली डिलीट आइटम पे, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो तीनों रिकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। तो इसे रिकवर करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं और फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा रीस्टोर पे। अगर आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा रीस्टोर, और यहाँ से ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होके पुनः अपनी उसी जगह पे चली जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी और आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।